हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.4। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है क्या ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है जिसकी बात कर रहा है, अगर है तो इनकी प्रेजेंट एज जो है वो निकालिए। तो देखिए, जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम जो है वो है 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। लेकिन 4 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट था एज का वो था 48 के बराबर। देखिए, यहाँ पे सम दे रखा है, तो अगर सीधी सी बात है दोनों की एज को प्लस करके 20 आएगा। उसमें से अगर हम एक की एज को अगर x मान लेंगे तो दूसरी की एज जो है वो 20 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि जो सम है उसमें से हम x को, मतलब एक की एज को माइनस कर देंगे तो दूसरी की एज आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 20 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों की एज को प्लस करके 20 आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये 7 होता तो ये 20 माइनस 7 होता, 7 माइनस 20 नहीं होगा, तो इसलिए 20 में से माइनस होगा, ठीक है। तो दूसरे की एज ही आ गई। अब इसने कहा है कि भी 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले दोनों की एज 4-4 साल कम होगी। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी भी एज 4 साल कम हो जाएगी, और जो सेकंड वाला है उसकी भी एज 4 साल कम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले की एक्स है तो एक्स माइनस 4 आ गई, और सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स में से 4 हम माइनस कर देंगे। इसमें ये x वाला है, ये कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कुछ माइनस होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट के साथ ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस नहीं, लेकिन निशान बढ़ेगा लगता है, और माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 4 ईयर एगो जो इनकी एज आई है, बोलता है इनका प्रोडक्ट जो है वो है 48। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है, देखिए जो एक की एज निकली है एक्स माइनस 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स जो कि दूसरे की एज निकली है, तो आएगा आंसर 48 के। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो एक्स से 16 को करा तो 16x प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे प्लस माइनस माइनस, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस और 4x इज इक्वल टू 48। अब ये x वाले टर्म्स है, प्लस किए दोनों तो प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो प्लस में रहनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का भी, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और ये तो प्लस 48 तो था ही, क्योंकि इसी साइड ले गए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपस में कुछ सोल्व इसमें नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 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 रहेगा, तो 64 प्लस 48 12 और ये 11, तो ये आ गया प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और यहाँ पे कहा है कि भाई सिचुएशन ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो सिचुएशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, वो तब होगी जब हम डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आया या इक्वल टू 0 आया तो पॉसिबल है, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो डी जो है वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें बी क्या है, एक्स का कोफिशेंट, तो माइनस 20 इसमें हमारा बी हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए एक्स का कोफिशेंट, तो इसके आगे कुछ नहीं होता था, क्या आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू सी जो कि है 112। अब 20 का स्क्वायर जो है तो हो जाएगा 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 400 ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 448, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 48 जो कि लेस देन है 0 के।
इसका मतलब इसमें कोई रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये इक्वेशन का इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इस सिचुएशन के कोई पॉसिबल जो है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो बस इतना ही था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस एक्सरसाइज के जो भी अगर आपको वीडियो पूरी प्ले लिस्ट चाहिए होगी तो लिंक आपको आई कार्ड जो है उस बटन में मिल जाएगा वहाँ पे। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।